प्रतापगढ़ में भी हो गया कांड। बाल बाल बचे पूर्व विधायक के भाई, गाड़ी पर ताबड़तोड़ चली गोलियां। पुलिस के गिरफ्त में एक हमलावर। धनतेरस पर प्रतापगढ़ में बवाल। दीपावली से पहले ही लखनऊ में पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि उधर प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ गोलियां चल गई, वो भी रानीगंज के पूर्व भाजपा विधायक धीरज ओझा और उनके भाई के काफिले पर। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक पर हुए हमले मामले में एक हमलावर पुलिस गिरफ्त में है, बाकी भीड़ और पुलिस को चकमा देकर हमलावर फरार हो गए। पर अभी तक पूर्व विधायक धीरज ओझा के आरोपों के मुताबिक ये मामला प्रतापगढ़ के पूर्व भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता द्वारा कराया गया है, जिनमें दोनों तरफ से जमकर मारपीट और फायरिंग की गई। विधायक का कहना है कि हमें और मेरे भाई को मारा गया है, सब लोग देखे, उसके बाद पब्लिक दौड़ा ली, एक आदमी पकड़ लिया गया है और सब भाग गए, गाड़ी सबके पकड़ी गई है, हमारे भाई को मारे हैं, नीरज को, हमको भी मारे हैं और सबको चोट लगी है। और ये पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता अपराधी के साथ है, उसके कारण सब हो रहा है। कितनी गाड़ियाँ अभी यहाँ पर नाले आए थे, तीन गाड़ी हमको लोग और गाड़ियाँ थी, तीन दो थार है और एक जो है वो है सफारी। ये डीएम आवास पे हुआ क्या, जाते क्यों है? डीएम आवास पे अभी 15-20 दिन पहले गए थे, वहाँ पर उसका खारिज हो गया। हाँ, तो संगम लाल जबरदस्ती दबाव बना रहे थे कि वहाँ फिर इनके पास पी डी सी कुछ नहीं हुआ, वहाँ पीडीसी से डीएम साहब मिले सबसे, वहाँ ये लोग हम भी गए मिलने, डीएम साहब भी बात रखने, ये लोग गाली देने लगे हमको, अपराधी तत्व लोग वहाँ भी टूटा, वहाँ सीओ सिटी सब छुड़ा दिए, प्रशासन बहुत था इसलिए वहाँ झगड़ा, लेकिन हमको नहीं मालूम था हम घर पे आएंगे तो हमला हो जाएगा। हमारे घर के पास ये लोग गाड़ी लेके पहले से अपने प्लान खड़े थे हमला करने। बता दें कि प्रतापगढ़ के रानीगंज के पूर्व भाजपा विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर हुए हमले की खबर पूरे प्रतापगढ़ में आग की तरह फैल गई है। पूर्व विधायक के आरोपों के मुताबिक इनके और भाई पर अज्ञात हमलावरों ने तीन गाड़ियों में आकर हमला कर दिया। हमले में मारपीट और फायरिंग की भी घटना हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर एएसपी पूर्वी भावी पुलिस बल के साथ पहुंचे। फिलहाल विधायक के काफिले पर हमला कर रहे हमलावरों को स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद उसे नगर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये मामला भाजपा के ही विधायक और सांसदों के बीच का है। घटना की वास्तविक पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।